ऐतिहासिक प्रोग्राम है और जब यहाँ से जो जीत निकल के जाएगी वो अखिल तक इसी तरह से परचम लहराएगी। बीजेपी का कुछ नहीं पता, कभी ताली बजवा देती है, कभी दूध पिला देती है, वो क्या क्या करेगी, लेकिन जनता अभी झांसे में नहीं आने वाली। कम से कम भागदौड़ का अपनी इज्जत बचा लें और विपक्ष में हमारे कुछ MLC बैठ जाएंगे, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी भी सरेंडर कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की विधानसभा 60 गढ़ मुक्तेश्वर के गांव आरिफपुर सरावनी में जहां ग्रामीणों ने एक सभा कर गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्र चौधरी को एकजुट होकर 10 फरवरी को पड़ने वाली वोटों में जीत हासिल की बात कही है, तो वही गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्र चौधरी ने गांव के लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि अगर मुझे इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होती है तो सबसे पहले विकास कार्य आरिफपुर सरावनी से ही शुरू किए जाएंगे और समय समय पर मेरे द्वारा लोगों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। जिसमें ग्रामीणों ने आने वाली 10 तारीख को होने वाले चुनाव पर बात करते हुए बताया कि ये जीत गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, इसको लेकर हम एकजुट होकर वोट डालकर इसे संभव करने का काम करेंगे। इसी तरह ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे। आपका प्रोग्राम है किस जगह, आपका प्रोग्राम था और क्या वादे हुए, क्या ये मेरा सबसे प्यारा सबसे महत्वपूर्ण गांव है आरिफपुर सरावनी। यहाँ दोनों गांवों के सब लोगों ने, सब प्रधानों ने मिलके ये एक प्रोग्राम रखा है, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है और जब यहाँ से जो जीत निकल के जाएगी वो आखिर तक इसी तरह से परचम लहराएगी। इस गांव का एक एक बच्चा बच्चा समाजवादी पार्टी के साथ है, मेरे साथ है। कहते हैं जो लोग यहाँ से आते हैं वो जो जिनसे काम जिताता वही जीतते हैं गठबंधन। बिल्कुल ऐसे ही है। इस गांव से जो भी यहाँ से आरिफपुर सरावनी बाडली से आज समाजवादी पार्टी RLD के गठबंधन को जो समर्थन मिला है वो ऐतिहासिक समर्थन है और जो यहाँ से जीत के जाता है वो गंगा मैया तक पार जाता है। आपका नाता रहा है इस गांव से बहुत करीब से 2010-11-12 की अगर बात की जाए। बिल्कुल उतरेंगे आप जो है। बिल्कुल मैं इन गाँव का धन्यवाद शुक्र नहीं करूँगा, ये मेरे अपने गाँव है। मैं अगर किसी लायक बनता हूँ तो मैं दिखाऊंगा जो 70 साल में इन गांवों में नहीं हुआ मैं अगले 5 साल में वो काम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 2022 में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है तो आगे के लिए क्या होगा? जो जनता का समर्थन मिल रहा है नो डाउट बहुत अच्छा मिल रहा है। ये लोग पिछले 5 साल से त्रस्त थे, पिछली सरकार ने इनके साथ जो जाती की है, जो किसान मजदूरों के साथ जाती की है, जो 800 हमारे शहीद हुए हैं, अभी लखीमपुर खीरी में क्या हुआ वो आपने देखा है, ये सब लोग परेशान हैं और जब हमारी सरकार बनेगी तो इनकी सरकार होगी, इनके एक एक काम सबसे पहले किए जाएंगे। युवा जैसे जैसे अभी बीजेपी कल रात एक हमला हुआ है, क्या ये भी गेट प्लस सुरक्षा की चाह कर रहे हैं, क्या है पूरा? बीजेपी का कुछ नहीं पता, कभी ताली बजवा देती है, कभी दूध पिला देती है, वो क्या क्या करेगी, लेकिन जनता अभी झांसे में नहीं आने वाली। सुरक्षा सबको मिलनी तो चाहिए, अच्छी बात है। कितनी आश्वस्त है आपकी सरकार? 100% 350 से ऊपर हमारी जारी है। अब एक बात सोचिए, आप पत्रकार बंधु हो, भारतीय जनता पार्टी ने बीच में MLC चुनाव 3 तारीख को, मार्च की 3 तारीख को फार्म भरे जाएंगे, 7 को चुनाव, क्यों? उन्हें लग रहा है कि हम कम से कम भाग दौड़ के अपनी इज्जत बचा लें और विपक्ष में हमारे कुछ MLC बैठ जाएंगे, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी भी सरेंडर कर चुकी है। धन्यवाद।